So, आज हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज आ चुकी है और आप लोग अगर भाई आईफोन यूज करते हो ना तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज हमें भाई टोटम ने बढ़िया बढ़िया चीजें भेज दी और बोला है कि भाई साहब तुम्हारा आईफोन कभी नहीं टूटेगा, ये चीज उसके लिए है। तो ये है मेरा आईफोन 13 जिसके ऊपर की आज हम लोग यही टोटम के एसेसरीज लगाने वाले हैं और चेक करने वाले हैं कि ये वाला फोन हमारे ड्रॉप टेस्ट के अंदर सर्वाइव कर पाता है या नहीं, क्योंकि मैंने टोटम के प्रोडक्ट के बारे में काफी ज्यादा तारीफ सुन ली, तो आज मैंने सोचा खुद टेस्ट कर लेते हैं। ओ, तो भाई साहब काफी ज्यादा कवर्स आ चुके हैं, इसको निकाल लेते हैं। ओ भाई साहब ये तो बहुत सारी एसेसरीज है, जल्दी से आप लोगों को सारी चीज दिखाता हूँ। हमने भाई 13 की जितनी भी एसेसरीज है सारी निकाल ली और एक एक करके सारी लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर लगाने वाले हैं टोटम का कॉर्निंग HD ग्लास और ये एंटी स्टैटिक वाला है, तो ये फटाफट से अप्लाई कर लेते हैं। उसके साथ साथ हम लगाएंगे भाई टोटम का ये एंटी ग्लेयर ग्लास लेंस प्रोटेक्टर। उसके साथ साथ यहाँ पे हम लोगों के पास डिफरेंट डिफरेंट केसेस है जो हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। बट मेरा इनमें से फेवरेट भाई सिलिकॉन वाला, जो कि यार मैं भी पर्सनली काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, तो आप लोगों को भी दिखाऊंगा। तो ये एक ही बार में हो गया हमारा स्क्रीन प्रोटेक्टर यहाँ पे इंस्टॉल्ड। स्क्रीन प्रोटेक्टर हमारा मस्त से अप्लाई हो चुका है एंड ये इतना इजी था, साइज़ इसमें कोई भी बबल नहीं आया जो कि बहुत एक बड़ी बात होती है। अब बारी भाई हमारे एंटी ग्लेयर लेंस प्रोटेक्टर की, इसको भी खोल लेते हैं। तो हमारे जो लेंस प्रोटेक्टर है भाई वो भी काफी ज्यादा इजीली लग चुके हैं। देन अब बारी है भाई सिलिकॉन केस वाली, जो कि बहुत ज्यादा तगड़े होते हैं, ये मैगसेफ भी सपोर्ट करते हैं, तो इनको खोल लेते हैं। एंड ये वाला हमारे पास स्काई ब्लू कलर है टोटम का सिलिकॉन वाला, इसको यहाँ से ऊपर से खोलते हैं एक बार मस्त तरीके से एंड चेकआउट करते हैं। देखो कितने बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करा गया हमारे को, ये काफी ज्यादा अच्छा। एंड ये है भाई ब्लू कलर, पर्सनली मैं भी यही वाला कलर यूज करता हूं अपने 14 प्रो मैक्स के ऊपर। एंड इसमें आप देखो अंदर की साइड में आपको काफी ज्यादा सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है, यहाँ देख सकते आपको मैगसेफ के मैग्नेट्स देखने को मिल जाते हैं। एंड ओवरऑल जो सिलिकॉन की क्वालिटी भाई काफी ज्यादा अच्छी है, नॉर्मल किसी भी सिलिकॉन कवर से ज्यादा बेटर लग रहा है। एंड इसको पिनाना बहुत ही ज्यादा इजी है भाई, आगे ऊपर से ऐसे फोन को पुश करना है एंड देन यहां से नीचे से स्टक, अपना फोन रेडी है भाई, मस्त देख सकते हो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड ये अब लग रहा है भाई वेल प्रोटेक्टेड फोन। भाई आप लोग इतना महंगा फोन ले रहे हो और भाई इसको प्रोटेक्ट करना भी अच्छा है ना, जैसे आप लोग ऐसे गिरा दो पैसा बर्बाद, तो फोन आपका बचा रहना चाहिए। लेकिन पता है मुझे दिल की धड़कने तेज हो जाती है, लेकिन नहीं होगी टोटम के साथ, वर्किंग फाइन गाइस। तो अब चलते हैं भाई एक्सट्रीम टेस्ट करने पे इस वाले सिलिकॉन केस के साथ इनका बाहर, क्योंकि भाई अंदर क्या ही होगा, असली रोड पे होती है ना अच्छी चीज। तो भाई बाहर आ चुके हैं और आप लोग ऐसे नॉर्मल रात को बात बात करते घूम रहे और गलती से आपका पैर आता है और आपका फोन गिर जाता है, तो फोन बचेगा या नहीं चला चेक करते हैं। तो भाई ओके थोड़ी मिट्टी लग गई है, लेकिन आप देख सकते जो इम्पैक्ट है वो इधर आया है, और अगर मैं हटाऊं तो ये देखो बिल्कुल साफ है फोन भाई, बिल्कुल वर्किंग कंडीशन के अंदर है, देखो बढ़िया चल रहा है। एंड फोन पीछे से भी कहीं से भी कुछ नहीं है, बस थोड़ी डस्ट लग गई है, सिलिकॉन वाले कवर्स के अंदर थोड़ी डस्ट चिपक जाती है, बट ये नॉर्मल आप लोग से आराम से झाड़ सकते हो। बट अभी फोन गिरा दे थोड़ी हाइट से, तो मेरी हाइट अराउंड 5'8" है गाइस, तो 5'8" की हाइट से मैं गिराता हूं उस फोन को। 3, 2, 1 खत्म। पीछे की साइड से गिरा है फोन और आवाज तो भाई बहुत खतरनाक आई है, मेरे को डर लग रहा है। ये तो गया नहीं 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 बच गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पीछे फिर दोबारा मिट्टी ज्यादा लग गई है एंड फोन जो बिल्कुल सही है, इवन लेंस प्रोटेक्टर ने भाई अपना काम बढ़िया करा, आप देख सकते हो कुछ यहाँ पे स्क्रोच नहीं आई एंड बढ़िया तरीके से भाई कवर ने काम कर दिया। हम फोन को बाहर निकालते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे भाई फोन को कुछ भी नहीं हुआ है, बस मिट्टी बाहर लगी हुई है। एंड एक अच्छी चीज देख सकते हो आप लोग, अंदर हमारे को माइक्रोफाइबर देखने को मिल जाता है, उससे जो है आपके फोन की बैक भी प्रोटेक्टेड रहेगी, लाइक आपको कोई भी डस्ट से दिक्कत नहीं आएगी। हम लोग अभी बैक साइड से फेंका था फोन, लेकिन अब बारी भाई फ्रंट साइड से फेंकने की, मेरे को भाई सच में डर लग रहा है, बट टोटम के ऊपर पूरा भरोसा है, तो चेक करते हैं। वही सेम हाइट 5'8" से अराउंड, नहीं तो ज्यादा हो गए, चलो 5'8" कर लेते हैं। ओ भाई साहब तो फोन ने भाई सही पलटी खाई है, अब चेक करते हैं। ओके तो सामने से भाई हमारा इंपैक्ट काफी ज्यादा सही है, कहीं दिक्कत नहीं आई है, कवर के ऊपर कोई भी वो नहीं है, बस थोड़े से वही लगे हैं मार्क्स। एक बार फोन निकालते हैं बाहर एंड हमारा फोन भाई क्या बात है, बढ़िया एकदम गाइस, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं एंड डिस्प्ले भी मस्त काम कर रही है। ये वाले जो सिलिकॉन केस है ये 10 फीट की आप लोग ड्रॉप टेस्ट आराम से झेल सकते हैं, तो अभी मैं काफी ज्यादा ऊंचा हो गया हूँ भाई, अराउंड 10 फीट तो नहीं है बट हाँ स्टिल काफी ज्यादा ऊंचा, तो इसको यहाँ से फेंकते हैं एक बार फोन को पीछे की साइड से, इसको चेक करते हैं अब फोन ठीक है। तो भाई आप देख सकते हो पीछे से बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ भाई साहब, इवन कवर के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हो साइड में हल्का यहाँ पे हल्की सी क्रोच आ गई है देख सकते हो इधर, बट ओवरऑल भाई फोन को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भाई मेन काम तो फोन को बचाना ना, कवर तो भाई थोड़ी बहुत चोट ले गई और देख सकते हो अंदर से भी भाई काफी ज्यादा सही है फोन, कोई दिक्कत नहीं है। इवन लेंस प्रोटेक्टर आप देख सकते हो कुछ खनोच तक नहीं आई उनके ऊपर भी, सामने से डिस्प्ले वर्किंग है, फोन बढ़िया चल रहा है। हेलो हेलो हाँ जी मेरे बाबू ने थाना थाया, ऐसे करते करते फोन अगर गिर गया आपका तो ओके, फिर दोबारा भाई नीचे यहाँ पे चोट आ गई काफी ज्यादा तगड़ी हल्का सा, बट फोन चेक करते हैं मिट्टी में हो चुका है पूरा, से निकालते हैं बाहर
एंड फोन को भाई कुछ नहीं हुआ है, सामने देखते हैं। फोन भाई बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, इवन कैमरा भी बढ़िया चल रहे हैं। सो गाइस ये सिलिकॉन वाला कवर जो है मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया, एंड ये जितने भी आपको आज केस दिखा रहा हूं ना एंड कवर्स दिखा रहा हूं, ये सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर रखे हैं मैंने, जाके जल्दी से चेकआउट कर लो। एंड ये सिलिकॉन वाले कवर्स के अंदर हमारे को अलग अलग कलर्स भी देखने मिलते हैं, ये ग्रीन कलर इनका और भी काफी ज्यादा इनके कैटलॉग में है। सो ये वाला कलर भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है हमारे इस वाले आईफोन 13 के ऊपर। एंड जैसे कि हमने यार अभी जो है ड्रॉप टेस्ट करना, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कोई भी स्क्रैचेस नहीं है, और इसके ऊपर हमने स्क्रीन गार्ड इनका अप्लाई करा था, इसकी ड्यूरेबिलिटी ने तो मेरे को चौंकाई दिया है पूरा। सो हमारे पास जो नेक्स्ट कवर्स है आईफोन 13 के, एक है मैक्स वाला क्लियर केस एंड एक है नॉर्मल क्लियर केस। तो इनको चेक करते हैं इनकी ड्यूरेबिलिटी कैसी है। तो ये देख सकते हो आप लोग, ये हमारे पास पूरा व्हाइट के अंदर है, एंड ये वाला जो है इनका येलो भी कम पड़ता है, इन्होंने बताया था। एंड भाई टोटम ने बोला है कि 6 महीने तक अगर आपका भाई ज्यादा ही पीला हो जाता है कवर, तो ये रिप्लेस करके नया कवर दे देंगे आपको, जो कि काफी सही चीज है। बट अगर आपको येलो से दिक्कत होती है, एक टाइम के बाद हो जाता है, तो आप लोग इनके कलर वाले भी ले सकते हो, जिसके अंदर थोड़ी थोड़ी टिंट रहती है, जो कि मैंने अपने आईफोन 14 प्रो मैक्स के ऊपर इस टाइम पर चढ़ा रखा। आप देख सकते हो ये थोड़ा पर्पलिश के अंदर कलर देता है, एंड ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है, ये कभी पीला भी नहीं होगा और मस्त काम भी होता रहेगा। एंड इनकी जो फिटिंग है काफी ज्यादा टाइट रहती है, उससे ये होता है कि आपका फोन जो ज्यादा भाई इधर उधर हिलेगा नहीं जब आप लोग इनको कवर में अच्छे से पहना दोगे। एंड देख सकते हो फोन के ऊपर कवर पहना दिया हमने, एंड पीछे पन्नी लगी आती है, देखो कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है भाई ये क्लियर केस। एंड दूर से बच जाएगा कि आपका आईफोन है, क्योंकि भाई ये चमकाना भी बहुत जरूरी है। एंड यही इनका एक और, जैसे मैं बता रहा हूं जो पीला कम पड़ता है, जो टिंटेड वाला होता है, ये हमारे पास टिंटेड आईफोन 13 का ब्लैकिश में है थोड़ा। एंड इसको भी चढ़ा के देख लेते हैं एक बार, कुछ इस तरीके से थोड़ा टिंटेड ब्लैक वाला लगता है हमारे आईफोन 13 के ऊपर। ये वाला आईफोन 13 केस जो है 6 फीट की ड्रॉप को आराम से झेल लेगा, तो इसको जल्दी से चेक करते हैं। ये नॉर्मल लाइक 5-8 थी, तो ये अराउंड 6 फीट हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अभी पीछे से गिराते हैं फोन को पहले, और फोन ने भाई साहब कलाबाजी खा ली थी बीच रास्ते में ही, तो उसे निकाल लेते हैं एक बार। और ये जो है भाई यहाँ पे आप देख सकते हो इधर साइड में आ गया हल्का सा निशान, क्योंकि क्लियर केसेस के अंदर ये हो जाता है, निशान ज़्यादा आ जाते हैं। यहाँ पे भी देखो इंपैक्ट आया हमारा, लेकिन मैंने पीछे जो पन्नी चढ़ा रखी थी, पन्नी उतारता हूँ, ये देखो तो आज ज़्यादा निशान तो वैसे ही हट गए हैं, थोड़े बहुत केसेस पे लगे हैं। और सामने से हमारा फोन बिल्कुल मस्त तरीके से वर्क कर, आप देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। एंड पीछे से इवन जो कैमरा है, हमारे लेंसेज हैं, वो सारी प्रोटेक्टेड है, काफ़ी बढ़िया। सब मैं अपनी हाइट से गिराऊंगा, इसे नॉर्मल लेकर आप लोग अगर बात बात कर रहे हो तो ऐसे गिरेगा। तो ये फोन दोबारा पीछे से गिरा है, एक बार फिर चेक करते हैं कि ये भाई अब बचा है कि नहीं। तो देख सकते हो पीछे की साइड में थोड़ी बहुत डस्ट लग गई है, बट फोन जो है काफ़ी सही है, थोड़े बहुत डेंट्स आए हैं साइडों में कवर के ऊपर, और जो मेन एम है भाई फोन को बचाना, इसने बचा लिया, फोन बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। एक बार कवर निकाल के देखते हैं। तो हमने कवर निकाला है ना, आप देख सकते हो जो बॉडी है पूरी की पूरी बिल्कुल वेल प्रोटेक्टेड है इस वाले कवर के साथ, हमारे क्लियर केस वाले। तो ये जो हमारा लेंस प्रोटेक्टर है, इसने भी लेंसेज को काफी अच्छे से प्रोटेक्ट कर लिया है, तो फोन बढ़िया है, लेकिन ओ ऐसे नहीं गिराना। सो अभी हमने आपको एक नॉर्मल HD ग्लास दिखाया था, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, बट इनका टोटम का काफी ज्यादा तगड़ा आता है, जो कि है प्रिवेसी ग्लास। इसमें क्या होता है कि जैसे आप लोग यार कभी कभार क्राउडेड प्लेसेस में होते हो, जैसे मेट्रो हो गया, आपके फोन के अंदर कोई दूसरा बंदा झांक रहा होता है, आप किससे बात कर रहे हो वो भी देख रहा होता है, आपकी सारी टेक्स्ट पढ़ रहा होता है, जो कि अच्छी बात नहीं होती। लेकिन आप अगर उस चीज से बचना चाहते हो तो भाई ये वाले प्रिवेसी ग्लास आप यूज कर सकते हो। तो जल्दी से लगा के दिखा दो ये कैसे काम करता है। सो गाइस हमने जो है अपना प्रिवेसी गार्ड लगा लिया है आईफोन 14 प्रो मैक्स पे, एंड इसका काम देखो बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। जैसे कि अगर आप लोग इसको सामने से देखोगे जब ही ये चलेगा, अदरवाइज ये नहीं चलेगा। जैसे कि मान लो मैंने टोटम की वेबसाइट खोल रखी है, अभी आप लोगों को सामने से बिल्कुल सही दिख रही होगी, जैसे मैं हल्का सा मूव करूंगा ये बंद हो गई, वैसे सामने करूंगा दिखने लग जाएगी। जैसे कि जब पीछे से आपके कोई आके ऐसे तरीके से कोई फोन देखेगा तो उसको बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो ये डेफिनेटली काफी ज्यादा मुझे पसंद आया इस चीज के लिए। तो बाहर बेसिकली यार बारिश होने लग गई दिल्ली के अंदर, बट अब जो नेक्स्ट कवर है हमारे पास ये है भाई इनका टोटम का बहुत ही ज्यादा अच्छा केस। तो ये वाला जो है इनका क्रिस्टलाइन केस है, जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर आपको पीछे की साइड में पूरा ट्रांसपेरेंट देखने मिलता है, जिसके अंदर आप एप्पल लोगो भी दिखा सकते हो, और जो साइड में ये देख रहे हो कॉर्नर से पूरा सिलिकॉन के अंदर है, तो आपको पूरी ना क्वालिटी है काफी ज्यादा अच्छी मिल रही है इसके अंदर ना, पूरा मेरे को इन हैंड फील बहुत ज्यादा अच्छी लगी इस वाले केस की। एंड आप लोग को ये वाला भी तगड़ा मिल जाता है, इसके अंदर आपको 6 फीट की ड्रॉप देखने मिलती है प्रोटेक्शन, बट ये वाला फोन नहीं गिराऊंगा भाई, ये मैंने थोड़ा महंगा है, ये नहीं गिराएंगे। लेकिन अगर आपसे फिर भी गलती से गिर जाता तो 6 फीट तक आराम से संभाल पाएगा। ये वाला केस है भाई इनका मैट केस, लेकिन इसके अंदर एक काफी ज्यादा अच्छी चीज है, वो है इसके अंदर आपको बिल्ट इन एयर बैग्स देखने को मिलते हैं, जो कि आपके बेसिकली फोन को ऐसा करते हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा ना रैपर के अंदर पैक होकर आते हैं हमारे फोन जो ऐसे बबल वाले, कुछ उस तरीके की फील देगा आपके फोन को। तो आप जब इसे ड्रॉप करोगे, लाइक आपने ड्रॉप करोगे, मतलब गलती से अगर आपका फोन ड्रॉप हो जाता है तो ये प्रोटेक्ट करेगा अच्छे से, और साथ ही इसमें 10 फीट की ड्रॉप प्रोटेक्शन मिलती है। तो इसको भी जरा पहना के देख लेते हैं अपने 14 प्रो मैक्स के ऊपर, एंड इसके अंदर आप देखते हो क्या ही भाई साहब खूब लग रहा है वाला भी, तो ये डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा चीज है, वो ये है कि इसके अंदर आपको जो बटन देखने को मिल रहे हैं ना, ये इसके साथ एक्स्ट्रा मिलते हैं आपको, मतलब कि आप लोग अलग अलग कलर्स वाले बटन लगा सकते हो अपने इस कवर के साथ। एंड देख सकते हो यहाँ पे कॉम्बिनेशन कुछ इतना मिल रहा है, तो यहाँ पे रेड मिल रहा है हमारे को, येलो मिल रहा है, ब्लैक मिल रहे हैं, ये कुछ ग्रेइश मिल रहे हैं, तो आप लोग इनको बहुत इजीली स्वैप कर सकते हो और अपनी आउटफिट के साथ भाई बढ़िया तरीके से इनको लगा सकते हो। नेक्स्ट केस जो है काफी ज्यादा तगड़ा है, क्योंकि ये मैंने पहली बार किसी कंपनी से देखा है, ये है भाई इनका टोटम का ग्रेफीन केस, जिसके अंदर हमारे को 5 लेयर देखने को मिलती है फोन को ठंडा करने के लिए। मतलब आप लोग ज्यादा गेम खेलते हो और आपको चाहिए एक बढ़िया कवर, तो भाई ये आप लोगों के लिए हो सकता है। जल्दी से पहना लेते हैं अपने फोन पे।
तो कुछ इस तरह का देखने को मिलता है ना, आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा क्रेजी टेक्सचर है इसके अंदर यहाँ पे मिलता है। टोटम की हमें ब्रांडिंग है एंड इवन आपको अंदर की साइड में यहाँ पे पूरा सिलिकन का एक वो फील देखने को मिलती है, काफी ज्यादा बढ़िया। एंड इसको पिना के देखते हैं भाई ये हमारे 14 Pro Max पे कैसा लगता है। ओहो गाइस देख सकते हो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है ये, और ये वाला केस भी आपके फोन की 10 फीट तक की ड्रॉप प्रोटेक्शन कर सकता है, तो ये भी भाई काफी ज्यादा तगड़ा लगा। एंड साथ साथ हीट तो डिसिपेट कर ही रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप लॉन्ग टर्म में इसके अंदर गेमिंग करोगे तो आपको फर्क पता चलेगा। बेसिकली ये कवर जो है आपकी जो हीट होगी ना आईफोन की जो प्रोड्यूस करेगा उसको डिसिपेट करेगा इवनली, ताकि जल्दी से आपका आईफोन ठंडा हो अंदर से और वो ज्यादा गर्म ना हो। तो ये काफी ज्यादा बढ़िया बन जाता है अगर आप लोग हैवी गेमिंग करते हो और आपका ज्यादा काम होता है और आप ऐसी जगह पे रहते हो जहां पे आपका फोन ज्यादा गर्म होता है। अब देखो लास्ट में एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा प्रोडक्ट है भाई टोटम की तरफ से जो हमें मिला है, और वो है ये केबल। और ये केबल भाई आपको 5 साल की गारंटी के साथ मिल रही है टोटम की तरफ से। जी हाँ, एक बार खोल के देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा है। तो आप देख सो बॉक्स कितना ज्यादा बढ़िया है। बेसिकली ये जो केबल है ये केवलार से बनी हुई है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है। एंड अगर हम इसे निकालें ये देखो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रही है। सो ये बेसिकली 1.5 मीटर की केबल, अराउंड 5 फीट की, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग केबल है। एंड साइज ये केबल जो है MFI सर्टिफाइड है, मतलब मेड फॉर आईफोन से सर्टिफिकेशन मिली हुई है टोटम को इस चीज के लिए। तो आप लोग इससे अपना आईफोन बहुत ज्यादा इजिली चार्ज कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट एक चीज मुझे लगी सिर्फ ये केबल सपोर्ट करती है 18 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग, तो अगर आप लोग उससे हायर जाना चाहते हो तो आपको थोड़ी इशू हो सकता है, बट 18 वॉट्स तक मैक्सिमम सपोर्ट कर लेती है। सो यही थे सारे प्रोडक्ट टोटम के, और अगर आपको इनमें से कोई भी लेना तो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा लिंक, आपको कोड मिल जाएगा वहां पे, आप लोग उसको लगा के और डिस्काउंट ले सकते हो इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर, उनको चेकआउट कर लेना। और अगर वाली वीडियो पसंद आएगी तो डेफिनेटली लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। ओके गाइस बाय बाय।